गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं बना रही हूँ ऐसा नाश्ता जो पिज़्ज़ा बर्गर से भी अलग है, बिल्कुल हट के। मैंने खीरे लिए हैं, टमाटर और ये गाजरों का घिस लिए मैंने इसको कद्दूकस से। बनाना स्टार्ट कर दिए मैंने, है ना, चीज़ लिए। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी डाला है तवे पे और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चीज रखते हैं इस तरीके से और आप देखना बहुत ही यम्मी नाश्ता होता है ये। और हम सुबह सुबह सब्जी खाएंगे नाश्ते के साथ ताज़ी ताज़ी, तो ये और ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, बेनिफिट है। इस तरह से लगा रही हूँ, आप इस तरह से लगाना टमाटर। और ये अब तो घरेलू सब्जी है, ये तो आपके घर में हमेशा रहती है। इसको तरह लगाते हैं, हम इस पर थोड़ा सा घी लगाते हैं ऊपर से ऐसे करके। अब सारा नाश्ता भूल जाएंगे इसके सामने। टमाटर सॉस दोनों पे मैंने टमाटर सॉस लगा दिए। खा जाएंगे आपके छीन छीन के, कहेंगे मम्मी क्या बना दिया तुमने सब्जी। वैसे तो बच्चे खा इस तरीके से, इसको नहीं लगाना। बच्चे बाहर से पिज्ज़ा बर्गर जो खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये। मैंने इस पर देसी घी लगाया है आराम से। अगर मैं इस पर पलटूँ तो ये है ना, ये आराम से सिक जाए। देखो इधर से हमारा नाश्ता इसको चिपक जाए चीज से। कितना अच्छा नाश्ता है, सिक गए एकदम से, खस्ता खस्ता, इतने अच्छे थे इधर से भी इधर से भी। देखो सिक गए, पता भी नहीं चल रहा और कितने यम्मी वाले बने एकदम से फर्स्ट क्लास। एक चीज़ ब्रेड और सब्जी के साथ एकदम यम्मी यम्मी नाश्ता होता है हमारा तैयार। आप ज़रूर बनाना, घर पर बच्चों को देना। खुदा।